बोल परमानंद धाम की। अभी फूल बरसाएंगे, अभी ऊपर ले जाके इसको तो पीछे कितनी लेडीज अभी और आ रही है, मतलब ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं पीछे लेडीज है जो और अभी बाहर निकलना पड़ता है। बड़े बड़े देखो खड़े हो रहे हैं, जुड़ी गई मेरी लोग निकल रहे हैं परमानंद गौशाला शेरपुरा के लिए, तो वहीं से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो हम लोग थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे और कितनी भीड़ उमड़ रही है वहाँ पे वो सब सारा नज़ारा आपको दिखाएंगे, ठीक है। अरे यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, देखो दोस्तों सामने झांकी निकल चुकी है वहाँ से, यहाँ पे आगे जाने भी नहीं दिया जा रहा है, यहीं रुकना पड़ेगा, यहीं से चलना चलते हैं पैदल और कुछ व्यू भी आ जाता है। अच्छा चलो यहीं नहीं साइड में लगा देंगे भैया, आगे नहीं जा रहे। ये देखो दोस्तों दो हाथी आए हुए हैं बड़े बड़े, देखो खड़े हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ चलो पीछे कितने लेडीज हैं कलश यात्रा लेके, वो देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत दूर तक पीछे तक है ना लगभग 300 महिलाएं शामिल हुई है यहाँ पे। पीछे के व्यू हम ड्रोन से देखते हैं, चलो देखें। देखो दोस्तों पीछे कितनी लेडीज अभी और आ रही है, मतलब ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं पीछे लेडीज है जो और अभी बाहर निकलना बाकी है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ होगी यहाँ पर, 11,000 से 15,000 के लगभग इतनी संख्या में लोग उमड़े यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पर कलश यात्रा निकालती हुई महिलाओं का पुष्प के साथ देखो इनका स्वागत कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सब लोग मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारी लेडीज जब कलश यात्रा निकालती हुई, पर यहाँ पर कुछ आम जन लोग भी जो सेवा में लगे हुए हैं। देखो 3300 महिलाएं शामिल हुई थी यहाँ पे कलश यात्रा में, और 4 डीजे लगे हुए हैं यहाँ पे। पुष्प वर्षा करते हुए देखो बहुत आनंदमय नज़ारा लग रहा है मेरे को। दोस्तों इतनी बड़ी कलश यात्रा आज तक मैंने पहले कभी भी नहीं, पर उनके साथ में आम जन लोग टोटल 11,000 एकत्रित हो गए यहाँ पे लोग। यहाँ 1.5 से 2 किलोमीटर तक के एरिया में पूरे में रोड में यही झांकी निकलती जा रही है, जिसमें 4 डीजे लगे हुए हैं बड़े। बजाओ ढोल स्वागत मेरे घर आए हैं, कथाई की जय नारो को आने दो चरण। पीछे आप देख सकते हो ड्रोन, ड्रोन है जो फूल बरसा रहा है, दिख रहा होगा। द्वारा जल की व्यवस्था की गई है ठंडे पानी की, इतनी दूर से चल के आ रहे हैं उनको ठंडा पानी पिलाना भी ज़रूरी था, तो सब लोग पानी पी के आगे निकल रहे हैं। Thank you.
देखो भी ऊपर से। चलते चलते थक गए हैं, इसलिए हम लोग टेम्पो में बैठ चुके हैं, जाके पूरी निकल चुके हैं आगे, और पीछे का कुछ व्यू आपको नज़र आ रहा है ऐसे, आप दिख रहा होगा आपको। अरे वाह कमाल का किया नेता लोगों, आपकी आज पहले दिन ऐसा होगा कि है हमारा परमानंद धाम, और आज सतगुरु भी माया देखो हमारे जगतगुरु भी आए हैं, आज पीठाधीश्वर मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सब आज पधे, लेकिन परमानंद जी महाराज के लिए यार भगवान कहीं के चार चांद दुल्हन की तरह बता दिया, हमें कोई पैसा नहीं क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ चुकी है, धीरे धीरे सब लोग अब आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो पीछे का नज़ारा। यहाँ पे एंट्री गेट पे बहुत ज्यादा भीड़ लग चुकी है, कुछ बच्चे लोग हंस रहे हैं यहाँ पे, भीड़ लगी हुई है भैया बहुत ज़्यादा यहाँ पे, कलश यात्रा वाले सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। चलो भैया आगे चलो, मेरा चुपला बोल परमानंद धाम की। दोस्तों ड्रोन से पुष्प वर्षा करते हैं, चलो ड्रोन उड़ाते हैं और चारों तरफ का व्यू भी देखते हैं। ये अभी फूल बरसाएंगे, अभी ऊपर ले जाके इसको और यहाँ पर फ्री सेवा में आम जन लोगों को के लिए शिविर चलाई गई है, तो किसी को नॉर्मल छोटी मोटी बीमारी हो तो वो यहाँ यहाँ आके गोली दवाई ले सकता है कोई भी, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो यहाँ पर तीन चार टीमें बैठी हुई हैं इसी पंडाल में। यहाँ पूरे 9 के 9 दिन यज्ञ में भंडारा चलेगा, तो सभी लोग प्रसादी ले रहे हैं। फाइनली दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं घर पे, बहुत मज़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो चले चलते हैं सीधा घर पे।